हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश किचन। चलिए आज हम बनाते हैं पाया करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये हेल्दी है। इसे बोन्स के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पाया करी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने पानी लिया है, इसमें अब मैं डालूंगी पाया, चार पाया है। पाया गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिनिमम 7 से 8 सीटी। इसमें हम डालेंगे 4 लौंग, दालचीनी और 1 इलायची है, आधा चम्मच हल्दी, नमक 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर हम ढक के रखेंगे, कम से कम आधा घंटा लगेगा 7 से 8 सीटी होने के लिए। पाया अच्छे से गल गए हैं, इसे मैंने 8 सीटी किया था। पाया करी बघार देने के लिए मैंने फिर से कुकर रखा है। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ऑलरेडी डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 प्याज काट कर लिया है, 1 बड़ा टमाटर है फाइन चॉप कर लिया है। हमने जब पाया बॉईल किए थे तब मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाली है, इसलिए 1/2 चम्मच डालती हूँ। गरम मसाला 1 चम्मच, ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। हाफ स्पून हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर है जो आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसमें पाया डालेंगे, इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से तेल में भून लेते हैं। उसके बाद हम पानी डालेंगे। पानी डालने के पहले हम पिसा हुआ नारियल डालेंगे, ये नारियल फिर मैंने गैस पे भून कर लिया है और उसकी पेस्ट की है। अब इसमें पानी डालते हैं, और थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पाया थोड़ी चिकनाहट होती है, इसीलिए ग्रेवी भी थोड़ी हमारी ठीक बनेगी। अब हम एक बार फिर से कुकर का ढक्कन लगाकर 2 मिनट 2 सीटी कर लेते हैं। देखिए 2 सीटी होने के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था और पूरा ठंडा कर लिया है। इसके बाद इस तरह से हमारा ये ग्रेवी रेडी है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पाया रेसिपी रेडी हो चुकी है। बरसात के दिनों में आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके बताना, मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।